हेलो फ्रेंड्स, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी पे सेकंड क्लासेज है। आज हम स्टार्ट करेंगे डाइस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस है उस पर हम डिस्कस करेंगे। आप तो डाइस पे हमारे पास जो क्वेश्चंस आता है डाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो डाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसा होता है उसको आप समझने की कोशिश करेंगे। डाइस में हमारे पास एक ऐसा होता है जिसमें सिक्स फेसेस होता है और सिक्स फेसेस जिसमें वन भी होता है, टू भी होता है, थ्री भी होता है, फोर भी होता है, फाइव भी होता है। आज जब डाइस को थ्रो करेंगे, डाइस को थ्रो करेंगे तो ये सिक्स फेसेस से कोई एक आपका आ सकता है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आउट ऑफ दिस सिक्स एनी वन कम, दैट्स वाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। अब मान लिया जाए कि एक डाइस थ्रो करेंगे तो फोर आ जाएगा, तो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग फोर तो फोर आने की चांसेस कितनी है, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, तो फोर आपका सिर्फ वन है। तो फेवरेबल इवेंट्स आपका तो फोर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अगर सैंपल स्पेस काम करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। लेकिन फेवरेबल इवेंट 4 आने का सिर्फ आपका 4 होगा, तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट नंबर ऑफ सैंपल स्पेस दैट इक्वल टू 1/6। अगर मैं कहूँगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 आने की चांसेस कितनी है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 का आपकी फेवरेबल इवेंट्स क्या हो सकता है, फेवरेबल इवेंट आपका 6 हो सकता है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल इस केस में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस दैट इक्वल टू 1/6। किसी भी इवेंट्स का अगर मान लीजिए मैं कहूँगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 5, तो आपका फॉर्मूला वही होता है नंबर ऑफ फेवरेबल डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो फेवरेबल का आपका इवेंट एक ही होगा, 5 होगा, तो ये नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट इस केस में कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 1/6 हो जाएगा। सैंपल स्पेस आपका ये है, तो सैंपल स्पेस कितनी है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6 है, तो 6 आ जाएगा हमेशा, ठीक है ना। तो डाइस में हमेशा ऐसे ही होता है, किस टाइप की डाइस होती है, ये हमारा डाइस है, डाइस में 6 फेसेस होता है, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, एक और 6 फेसेस हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह तो जब हमें भी कभी भी एक डाइस को थ्रो करेंगे, वन डाइस को थ्रो करेंगे, तो हमारा जो सैंपल स्पेस होगा, जो सैंपल स्पेस के बारे में बताया हूँ, तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपका 6 हो जाएगा। तो 1 आने की चांस कितनी है, 2 आने का चांस कितनी है, 3 आने का चांस कितनी है, 4 आने का चांस कितनी है, 5 आने का चांस कितनी है, 6 आने का चांस कितनी है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड इवेंट्स आने का चांस कितनी है। तो भाई ऑड का हमारे पास फेवरेबल इवेंट क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है ऑड का, तो दिस इज द फेवरेबल फॉर ऑड। तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट आपका क्या हो सकता है, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 अपॉन 6 नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, प्रोबेबिलिटी क्या क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट नंबर ऑफ सैंपल स्पेस दैट इक्वल टू 3/6 दैट इक्वल टू 1/2। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा सकता है, थ्रोइंग अ डाइस व्हाट इज प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इवेंट नंबर आने का चांस कितनी है, इवेंट ग्रेटर देन फोर यहाँ पे 4, तो इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, फिर तीसरा नंबर लेस देन 3, फिर प्राइम नंबर पूछा जा सकता है, प्राइम
नंबर, प्राइम नंबर पूछा जा सकता है, ठीक है ना। इस तरह तो ये आप क्या मान लीजिए, सी मान लीजिए, ये आप डी मान लीजिए। सपोज कीजिए यहाँ पे इवेन नंबर में क्या आ सकता है भाई, इवेन नंबर में, इवेन नंबर में आपका आ सकता है टू आ सकता है, फोर आ सकता है, सिक्स आ सकता है। तो इस केस में नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। यहाँ पे नंबर ग्रेटर देन फोर, नंबर ग्रेटर देन फोर, तो नंबर ग्रेटर देन फोर का मतलब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे जब सपोज कीजिए सैंपल स्पेस हमारे पास ये है 1 2 3 4 5 6, तो ग्रेटर देन फोर में तो यही आएगा ना, तो आपकी फोर और सॉरी फाइव और सिक्स हो सकता है, फाइव और सिक्स हो सकता है। तो इस केस में नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट कितना हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट आपका कितना हो जाएगा, फाइव और सिक्स टू हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे नंबर लेस देन थ्री, लेस देन थ्री में क्या हो सकता है, वन और टू हो सकता है, लेस देन थ्री में वन और टू हो सकता है, वन और टू हो सकता है। तो इस तरह नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट में आपको कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना हो जाएगा आपका, ए का एक आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो फेवरेबल इवेंट इसमें कितनी है, 3/6 दैट इक्वल टू 1/2। और प्रोबेबिलिटी बी का कितना आंसर हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो यहाँ पे 2/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी का कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट नंबर ऑफ सैंपल स्पेस दैट इक्वल टू 2/6। इस तरह हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पे प्राइम नंबर लेंगे, प्राइम नंबर जो भी होगा उसका, जैसे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है ना, इसका निकल जाएगा। अब हम आपको बताने चलते हैं कि अगर दो डाइस को थ्रो करेंगे तो क्या होगा, थ्रोइंग टू डाइस, थ्रोइंग टू डाइस, दो डाइस को थ्रो करेंगे तो, दो डाइस को थ्रो करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा। तो फर्स्ट में वन आया, सेकंड में भी वन आया, फर्स्ट में यहां पे टू आया, सेकंड में वन आया, थ्री आया, वन आया, फोर आया, वन आया, फाइव आया, वन आया, सिक्स आया, वन आया। अब यहाँ पे सेकंड देखिएगा, इसमें फर्स्ट में वन, यहाँ पे टू, फिर टू, फिर टू, फिर थ्री, टू, फोर, टू, फाइव, टू, सिक्स, टू, वन, थ्री, इस टाइप से हमारे पास आएगा। तो पहले में वन, दूसरे में वन, पहले में वन या पहले में दो तो दूसरे में वन, ऐसे भी हो सकता है, या पहले में वन दूसरे में टू, पहले में वन दूसरे में थ्री, पहले में वन फोर, पहले में वन इसका फाइव, पहले में वन इसका सिक्स, ऐसे भी हो सकता है। या यहाँ पे वन और यहाँ पे टू, या टू वन हो जाएगा यहाँ पे, ऐसे थ्री वन हो जाएगा, फोर वन हो जाएगा, फाइव वन हो जाएगा, सिक्स वन हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास टोटल आपके कितने बनेंगे, सिक्स इस साइड में, सिक्स इस साइड में, तो सिक्स इंटू सिक्स आपकी 36 हो जाएगा। ये जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएगा ये 36 हो जाएगा, 36 नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इस केस में कितनी है, 36। अब क्वेश्चन देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, थ्रोइंग टू डाइस, थ्रोइंग टू डाइस क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम नंबर, सेम नंबर, तो इसकी मान लीजिए ए है तो इसका फेवरेबल इवेंट क्या हो सकता है, पहले में वन दूसरे में वन, पहले में टू दूसरे में टू, पहले में थ्री दूसरे में थ्री, पहले में फोर दूसरे में फोर, पहले में फाइव दूसरे में फाइव,
पहले में सिक्स दूसरे में सिक्स, ये सेम नंबर हो सकता है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट इस केस में कितना होगा, सिक्स होगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो इसकी प्रोबेबिलिटी मैं पूछूंगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो फेवरेबल आपकी सिक्स है, अब सैंपल स्पेस मैंने बताया था कितना, 36। यहाँ पे सैंपल स्पेस कितनी है, सारे को काउंट करेंगे तो 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट नंबर नंबर ऑड एंड सेकेंड नंबर, बहुत पर क्वेश्चन बन सकता है, प्रॉब्लम ऑफ इवन, पहले में ऑड होना चाहिए दूसरे में इवन होना चाहिए। तो कैसे कैसे सिंपल स्पेस बन सकता है, अब देखिएगा यहाँ पे वन हो सकता है, टू हो सकता है, वन हो सकता है, फोर हो सकता है, वन हो सकता है, सिक्स हो सकता है, क्योंकि वन तो ऑड है। फिर दूसरा देखिए, फिर थ्री हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री भी ऑड है, फिर आपको थ्री हो सकता है, फोर हो सकता है, फिर थ्री हो सकता है और सिक्स हो सकता है, फिर ऑड फाइव टू फाइव फोर फाइव सिक्स, इतनी हो सकता है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल, ये तो आपकी बी मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट कितना होगा इस केस में, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। ये एक ऑड से तीन इवेंट, दूसरे ऑड से तीन इवेंट, तीसरी ऑड से तीन इवेंट, तो नाइन हो जाएगा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट नाइन हो गया। तो प्रोबेबिलिटी इसका क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो सकता है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो 9 डिवाइडेड बाय 36 जो आएगा सो आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी केसेस देख लीजिए आप। अब आपको तीसरा केस बताना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ऑड, दोनों ऑड होने चाहिए, बोथ आर ऑड, ये दोनों ऑड होने चाहिए। तो इसका आपका मान लीजिए फेवरेबल इवेंट क्या क्या बन सकता है, वन वन हो सकता है, वन थ्री हो सकता है, वन फाइव हो सकता है, ठीक है, बोथ आर। तो यहां पे जैसे एक क्वेश्चन क्या लिखा था, फर्स्ट नंबर इज ऑड लिखा गया था, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट नंबर ऑड नहीं बोला है, तो यहाँ पे वन थ्री हो सकता है, थ्री वन भी हो सकता है और फाइव वन भी हो सकता है, फिर आप थ्री से फाइव वन भी हो सकता है। अब आप देखिए थ्री यहाँ पे वन के साथ दिस दिस हो गया, तो थ्री वन हो गया, फाइव वन हो गया। अब आप थ्री के साथ कीजिए, थ्री टू हो सकता, थ्री थ्री हो सकता है, थ्री फाइव हो सकता है, ठीक है ना। अब फाइव थ्री भी हो जाएगा, फाइव थ्री भी हो जाएगा, यहाँ पे फाइव फाइव भी हो सकता है, सारे ऑड है। तो कितने हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट इस केस में नाइन है। अब प्रोबेबिलिटी कितने हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट नंबर ऑफ सैंपल स्पेस दैट इक्वल टू 9/36 दैट इक्वल टू 1/4। पहले ऑड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ आर ऑड, बोथ आर ऑड। अब आपको बोथ आर ऑड इसको निकालने में आपको दिक्कत होगी, तो वन थ्री फाइव ऐसे कर दीजिए,
फिर 1 3 5, पहले से तीनों, एक आपको, फिर दूसरे से तीनों ऐसे कर दीजिए, 3 1 3 3 3 5, फिर उससे 5 1 5 3 5 5, ऐसे भी सिंपल स्पेस निकाल दीजिए फेवरेबल नंबर। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन होगा। फिर आपको आएगा व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट हुज सम इज ए 10, जिसकी सम 10 होनी चाहिए दोनों इवेंट में, जैसा जिसके सम 10 होना चाहिए, तो इसकी प्रोबेबल नंबर क्या हो सकता है, 4 6 हो सकता है, 6 4 हो सकता है, 5 5 हो सकता है, ये जिसका सम इतने, तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो इस केस में 3/12 हो जाएगा, 3/36 हो जाएगा, दैट इक्वल टू 1/12। फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस केस में, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट हुज सम एटलीस्ट 10, तो एटलीस्ट 10 में हमारे पास क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 10 में 10 सम होना जरूरी है, तो 10 के लिए क्या हो जाएगा, 4 6 6 4 5 5, 11 सम होना चाहिए, 11 में क्या होगा, 5 6 6 5, 12 सम होना चाहिए, इसके लिए क्या हो सकता है, 6 6, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट आपका 6 हो गया। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट नंबर ऑफ सैंपल स्पेस दैट इक्वल टू 6/12, 6/36 दैट इक्वल टू 1/6। इस तरह क्वेश्चन हो सकता है एट लीस्ट। अब फिर क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट, व्हाट इज probability that at most 5, that whose sum is at most 5, तो कम से कम सम तो 2 होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 होना चाहिए, तो सम आपको 2 का फेवरेबल इवेंट क्या हो सकता है, 1 और 1 हो सकता है। सम 3 का फेवरेबल इवेंट क्या हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 2 1 हो सकता है। सम 4 का फेवरेबल इवेंट क्या हो सकता है, 3 1 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 2 2 हो सकता है। सम आपका 5 का क्या हो सकता है, सम 5 का, तो सम 5 में हमारे पास क्या हो सकता है, देखिएगा यहाँ पे सम 5, तो 5 यहाँ पे 4 1 हो सकता है, 4 1 हो सकता है, 1 4 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 3 2 हो सकता है, इतना हो सकता है। सम 6 का हमें तो इतना ही तक जरूरत है, ज़्यादा ज़्यादा इतना, तो यहाँ पे 6 का सम क्या हो सकता है, तो 5 1 हो सकता है, 1 5 हो सकता है, 4 2 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे इतना हो जाएगा। सम 7 का क्या हो सकता है, देखिएगा 5 2 हो सकता है, 2 5 हो सकता है, 6 1 हो सकता है,
वन सिक्स हो जाएगा। सम एट का क्या हो सकता है, सिक्स टू हो सकता है, टू फाइव टू सिक्स वन, थ्री फोर फोर थ्री हो सकता है, सिक्स टू टू सिक्स, फाइव थ्री थ्री फाइव, फोर फोर। अब नाइन सम क्या हो सकता है, सम नाइन क्या, थ्री सिक्स हो सकता है, सिक्स थ्री हो सकता है, फाइव फोर हो सकता है, फोर फाइव हो सकता है। टेन का सम क्या हो सकता है, जो मैंने ऑलरेडी बताया। इलेवन का सम क्या हो सकता है, ट्वेल्व का सम क्या हो सकता है, टेन का सम फाइव फाइव हो सकता है, सिक्स फोर हो सकता है, फोर सिक्स हो सकता है। इलेवन के सम में फाइव सिक्स हो सकता है और सिक्स फाइव हो सकता है, यहाँ पे सिक्स सिक्स हो सकता है ट्वेल्व में। अब देखिएगा, ये टू वन है, ट्वेल्व भी वन है, ये थ्री है टू, तो यहाँ इलेवन में भी टू है, फाइव सिक्स सिक्स फाइव। टेन में तीन है तो फोर में भी तीन है, नाइन में कितनी है, वन टू थ्री फोर, तो आपका फाइव में कितनी है, वन टू थ्री फोर। अब सिक्स नाइन के बाद एट, एट में कितनी है, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव में कितनी है, सिक्स में कितनी है, वन टू थ्री फोर फाइव। सेवेंथ में कितनी है, एक दो तीन चार पाँच छः, सबसे ज़्यादा सेवेंथ में। सेवेंथ में जितनी है उससे ऊपर जाइए तो एक एक डिक्रीज होता चला जाता है। यहाँ पे कितना था, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यहाँ पे सिक्स, यहाँ पे कितनी, वन टू थ्री फोर फाइव, यहाँ पे फाइव, यहाँ पे कितनी, वन टू थ्री फोर, यहाँ पे फोर, यहाँ पे कितनी, थ्री, यहाँ पे कितनी, दो, यहाँ पे कितनी, एक। अब यहाँ पे काउंट कीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव, यहाँ पे पाँच, यहाँ पे कितनी, चार, फोर, यहाँ पे कितनी, थ्री, यहाँ पे कितनी, दो, यहाँ पे कितनी, एक। ऐसे आपको माइंड में रखना पड़ेगा। दूसरी बात है ये कि यहाँ पे एटमोस्ट फाइव, एटमोस्ट फाइव में आपको यहाँ होगा, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। बहुत बार बोलेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी हु सम इज एटलीस्ट फाइव, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एटमोस्ट सिक्स, तो ये सब याद रखना पड़ेगा। याद रहेगा तो आपको इजिली हो जाएगा। तो यहाँ पे एटमोस्ट फाइव, ज़्यादा से ज़्यादा फाइव होने चाहिए। तो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, तो ये टेन हो जाएगा। तो इसमें फेवरेबल इवेंट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट इस केस में आपका 10 हो जाएगा। और रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल, नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस 10/36 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह बहुत क्वेश्चन बन सकता है, ये बात आपको दिमाग में रखना पड़ेगा ये वाली। अब इसमें आपको सारी कॉन्सेप्ट को मैंने डेवलप किया। एक बात मैं बता दूं कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इन वन, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इन वन डाइस, तो सिक्स एक में से होता है, एक बार डाइस किया गया तो सिक्स हो जाएगा। टू डाइस में क्या हो जाएगा, सिक्स की पावर टू, दैट इक्वल टू 36। थ्री डाइस में कितना हो जाएगा, सिक्स की पावर थ्री, दैट इक्वल टू 6 × 6 × 6 216, ऐसे हो जाता है। तो इस तरह आपको डाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कस किया, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ आएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में, ओके, थैंक यू क्लास।